मध्वाचार्य को मारने के लिए किसी ने चरणामृत में जहर मिला दिया। मध्वाचार्य रोज मंदिर में जाते, भगवान का दर्शन करते और फिर चरणामृत लेकर अपने स्थान पर चले जाते। आज चरणामृत में जहर है, प्रतिदिन की भांति मध्वाचार्य भगवान को प्रणाम किए, चरणामृत हाथ में लिए। उसी समय उनके एक शिष्य को पता चल गया, आकर मध्वाचार्य जी का हाथ रोक दिया। बोले, महाराज इस चरणामृत में जहर है, आपको मारने की साजिश है, आप इसे ग्रहण मत करना। तब मध्वाचार्य ने कहा, बताओ भगवान के चरण जल का प्रभाव अधिक है या जहर का प्रभाव अधिक है? ये दोनों में पावरफुल क्या है? भगवान का चरण जल पावरफुल है या ये तुच्छ अमृत पावरफुल, ये तुच्छ विष जहर पावरफुल है? शिवाद मध्वाचार्य को भगवान के चरणामृत में पूर्ण श्रद्धा थी। यद्यपि विष था उसमें, लेकिन विष से अधिक भगवान के चरणामृत में श्रद्धा थी। हाथ में वह चरणामृत विष युक्त चरणामृत था, परंतु भगवान को प्रणाम करके अकाल मृत मृत्यु हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णुपाद उदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इतना कहकर मध्वाचार्य ने वह चरणामृत ग्रहण किया। और वास्तव में उस चरणामृत में विष था, परंतु मध्वाचार्य की चरणामृत में अटूट श्रद्धा होने के कारण विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। विष युक्त चरणामृत पिए फिर भी मध्वाचार्य को कुछ नहीं हुआ, यह सुनकर कल आप लोग मत पीजिएगा, क्योंकि मध्वाचार्य को चरणामृत में पूर्ण श्रद्धा थी और हम लोग को नहीं है। कोई आदमी थोड़ा ज्यादा चरणामृत दे देता है तो हम सोचते हैं ज्यादा पियेंगे सर्दी हो जाएगी, थोड़ा ही दीजिए। बताओ, श्रद्धा की कमी है। श्रीमद् भागवत के रचयिता वेदव्यास मुनि की आज्ञा है कि भागवत सुनने से पहले भागवत में श्रद्धा हो, श्रोतागण श्रद्धा से भागवत सुने, वक्ता श्रद्धा से भागवत कहे, इसलिए पहले भागवत की महिमा सुन लीजिए। क्योंकि बिना श्रद्धा के यह कार्य पूर्ण फल नहीं दे सकता। इसलिए वेदव्यास मुनि ने एक सिस्टम बनाई, भागवत सुनने से पहले भागवत की महिमा सुने। आइए भागवत जी की महिमा के कुछ इतिहास हम सुने। लेकिन वक्तों, आश्चर्य की बात यह है कि भागवत की महिमा भागवत में ही नहीं है, श्रीमद् भागवत की महिमा भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में है। भागवत अभी खुला नहीं है, भागवत खुलने से पहले ही भागवत से कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है। किसी व्यक्ति को अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, ये भागवत हमें सिखाता है। क्योंकि भागवत यदि अपनी प्रशंसा करने लगे तब तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, जिसे आत्मश्लाघा का दोष कहा जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और वैसे भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। आपको यदि आत्महत्या करनी है, सुसाइड करना है, ट्रेन के नीचे मत आओ, बस के नीचे मत आओ। यदि आत्महत्या करनी है तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर लो, आदमी मरा हुआ है।
ये भगवान कृष्ण के वचन हैं महाभारत में। और उसमें भी जो भक्त होता है, जो महान होता है, वो कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं महान हूं। हमारे देश के संतों ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मो। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल। जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो महान होता है, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता। ये महान व्यक्ति की महानता है भक्तों। ज्ञानी कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, और जब कोई कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये गीता भागवत सब कुछ मुझे याद है, समझो कुछ अधूरा है। भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भक्त हूं। प्रेमेरे स्वभाव जहां प्रेमेरे संबंध, सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जिसके हृदय में प्रेम होता है, जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति होती है, वो तो यही सोचता है कि मेरे हृदय में भक्ति की गंध भी नहीं है। महान व्यक्ति की महानता है कि वो अपने मुख से कभी भी अपनी महानता नहीं कहता है। तो भागवत भी अपने मुख से अपनी महानता नहीं कह रहा है। भागवत की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है। भागवत महिमा के कुछ प्रसंग में आपको संक्षिप्त में यदि सुनाऊं, जिसे सुनकर, इस भागवत की महिमा को सुनकर जिससे भागवत के प्रति रुचि बढ़े, भागवत के प्रति श्रद्धा बढ़े। व्यास मुनि यह सुनाने से पहले एक श्लोक में भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शिवदव्यास मुनि भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते हुए भगवान कृष्ण का स्वरूप परिचय, सामर्थ्य परिचय और स्वभाव परिचय दे रहे हैं। एक श्लोक में भगवान का स्वरूप, स्वभाव और सामर्थ्य परिचय। किसी ने पूछा, व्यास मुनि आप जिसे भगवान मानते हैं, वो भगवान कृष्ण का रूप क्या है? तब कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? सत, चित और आनंद से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परंतु भगवान कृष्ण का शरीर सत, चित और आनंद से बना हुआ है। हमारे शरीर में शोक है, दुख है, और हमारा शरीर धीरे धीरे जीर्ण हो जाता है। परंतु भगवान कृष्ण का शरीर अद्भुत है, चिन्मय है। सत का अर्थ होता है नित्य,
भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो नित्य है और हमारा शरीर अनित्य है। हमारा शरीर धीरे धीरे बाल्य अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था, बुढ़ापे की ओर और बुढ़ापे से मृत्यु की ओर, परंतु भगवान का जो शरीर है वो सत माने एग्जिस्टेंस नित्यता नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कृष्ण बहुत अच्छे भगवान थे लेकिन बेचारे 5000 वर्ष पहले मर गए। अब मूर्खों की कमी कहाँ है इस दुनिया में, अच्छे थे लेकिन 5000 वर्ष पहले प्रभास क्षेत्र में उस वृक्ष के नीचे बैठे और जरा नाम के शिकारी ने बाण मारा, कृष्ण के पांव में लगा और अच्युतम केशवम। बताइए, भगवद गीता का दूसरा अध्याय याद कीजिए भक्तों, जहां आत्मा के विषय में क्या क्या कहा गया। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वान भूय अजोनित्व शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा न जायते, आत्मा न म्रियते, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम चिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले दंत्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। अच्छेदोयम दाह्योयम क्लेदो सोष्येवच नित्य सर्वगत स्नाणुर अचल अयम सनातन। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आत्मा को काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो परमात्मा को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन संसार के कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि कृष्ण मर गए। आप महाभारत के पन्ने खोलिए, पितामह भीष्म ने जब अर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण उस रथ से कूद पड़े, हाथ में चक्का लेकर पितामह भीष्म के पास जाने लगे, पितामह भीष्म ने कृष्ण के ऊपर बाणों की बौछार कर दी। महाभारत में ऐसा वर्णन है, पितामह भीष्म के बाणों से कृष्ण के शरीर का सोने का कवच टूट गया, कृष्ण के शरीर में अनेकों बाण लगे, खून की धारा बहने लगी। उस समय तो कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, कृष्ण के शरीर में पितामह भीष्म के अनेकों बाण लगे तब कुछ नहीं हुआ, और प्रभास क्षेत्र में एक बाण लग गया और मर गए। भगवान नित्य है, हां भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जैसे रोज सुबह सूर्य आकाश में उदय होता है और संध्या को अस्त हो जाता है, क्या जब संध्या को सूर्य अस्त होता है तो हम लोग शोक सभा मनाते हैं, बहुत अच्छा था, कितना प्रकाश देता था, कितनी बिजली बचाता था, ये सूर्य हमारे कपड़ों को सुखा देता था, मर गया, क्या हम शोक सभा मनाते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है सूर्य मरा नहीं है, सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है, कल सुबह फिर से उदय होगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण सत माने नित्य है, वो कभी मरते नहीं है, इस संसार में कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, तो कभी फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि ने महात्म्य में कृष्ण का स्वरूप परिचय देते हुए कहा, सच्चिदा नंद रूपाय। कृष्ण का शरीर सत से बना है माने नित्य है। दूसरा चित, चित माने ज्ञानमयी, कृष्ण के प्रत्येक अंग में ज्ञान भरा हुआ है। हमारे तो दिमाग में भी ज्ञान नहीं है,
कृष्ण के तो हाथ पांव सब सब जगह पर ज्ञान है, चिन्मय चित्तमय। और कृष्ण के शरीर में तीसरी चीज क्या लगी हुई है? आनंद, सच्चित आनंद रूपाय, ये कृष्ण का रूप है। कृष्ण का शरीर जो है आनंद घन मूर्ति है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, आप इमेजिन कीजिए, रात को हम एक ट्रे में पानी भरते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं, और सुबह फ्रीजर खोलते हैं तो वो पानी घन पदार्थ बर्फ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का आनंद आप रात को फ्रीजर में रख दीजिए, एक कवि की कल्पना है, लेकिन आपको आनंद आएगा, थोड़ा समझ सकते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड के आनंद को आप रात को फ्रीजर में रख दीजिए और सुबह खोलकर जो मूर्ति आपको मिलेगी वही है कृष्ण, आनंद घन मूर्ति, जिसके शरीर में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। 11.5 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में राजा दशरथ के वहां जब भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, तब राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते हूँ लोक उपासी, सी करते हूँ लोक उपासी। हे राजा दशरथ, आपके घर पे ये जो बालक का जन्म हुआ है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जो आनंद छा रहा है, वो आनंद इस आपके बालक आनंद समुद्र का एक बूंद है। आपका बेटा आनंद का समुद्र है और उस समुद्र की एक बूंद करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में आनंद प्रदान कर रही है। आनंद घन मूर्ति है। और 5,500 वर्ष पहले नंद बाबा के घर पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर क्या गाया? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया। ये हम चौथे दिन गाएंगे, तो मैं आपको याद करा रहा था, आप तो बस शुरू ही हो गए। एक्चुअली सब बलून लगे हैं तो लगता है कृष्ण जन्म का उत्सव है, लेकिन आज कृष्ण जन्म नहीं, आज भागवत का जन्म है। नंद के घेर आनंद भयो, नंद बाबा के घर पर साक्षात आनंद का जन्म हुआ। और हमारे घर पर भी जन्म तो होता है बच्चों बच्चों का, लेकिन रोते हुए, और जीवन भर तक रोता रहता है। बेचारा थोड़ा बहुत सुखी हुआ था तो 500,000 का चक्कर पड़ गया, अब 500,000 से फुर्सत मिलेगी तब दिसंबर में और कुछ नहीं आने वाला है। परंतु भगवान कृष्ण परम आनंदमय है, सच्चित आनंद से बना हुआ उनका स्वरूप है। आपको एक रहस्य की बात कह दूं, हम लोग दुखी हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, रोज सुबह मंगला आरती में गा भी लेते हैं, संसार दावानल, हमारे दिन की शुरुआती दावानल से होती है। सब लोग दुखी हैं, और दुखी आदमी को यदि सुखी होना है तो किसी सुखी के पास जाना चाहिए, है ना। अब दुखी आदमी किसी दुखी के पास जाएगा तो वो क्या दुख दूर करेगा? और बताइए संसार में कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चाहे राजा हो या रंक, चाहे कोई झोंपड़ी में रहता हो या करोड़ों की इमारत में रहता हो, सब लोग दुखी हैं। यहां पर
दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक पहुंचा। राजा नमाज पढ़ रहे थे, भिक्षुक उस राजा के कमरे में गया। नमाज पढ़ते हुए राजा को देखकर निराश होकर वहां से वापस लौट गया। नमाज पढ़ते हुए राजा ने देखा कोई भिक्षुक आकर जा रहा है। जल्दी जल्दी अपनी नमाज समाप्त करके राजा उस भिक्षुक के पीछे दौड़े और उसे रोका। बोले, हमारे दरबार में आकर खाली हाथ जा रहे हो, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस भिक्षुक ने कहा, राजन यूं तो मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन जब आपके कमरे में मैंने आपको देखा तब मुझे पता चला कि मैं भिखारी हूं, आप भी भिखारी हैं। और महाराज, मैं तो छोटा भिखारी हूं, एक हाथ से मांगता हूं, आप तो दो दो हाथ से मांग रहे थे। यहां सब लोग भिखारी हैं, चाहे राजा हो या रंक। इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं, इसलिए सूफी ने एक सुंदर शेर लिखा। सुर देते रहे, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। इस बस्ती में कौन ऐसा है जो हमारे आंसुओं को पोछ सकता है? यदि दिल में दुख है और आंखों में आंसू है और इस दुनिया की किसी भी व्यक्ति के पास गए, कौन हमारे आंसुओं को पोछेगा? क्योंकि जिन जिन के पास जाओगे सबके दामन भीगे हुए हैं, यहां तो सब लोग रो रहे हैं। इसलिए दुख से छुटकारा चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो जो पूर्ण रूप से सुखी है ऐसी व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। और वेदव्यास जी प्रारंभ में ही कहते हैं, सचित आनंद रूपाय, इस संसार में सबसे बड़ा सुखी और आनंदमयी एक ही ईश्वर है और वो है कृष्ण। कृष्ण की शरण में यदि चले गए तो जीवन में सुख ही सुख मिल जाएगा, सुख ही सुख। तो वेदव्यास मुनि कृष्ण का स्वरूप परिचय दिए। इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन काम काज में आज की नई बहू जैसे, कपड़े भी धोती है तो कोई ठिकाना नहीं, बर्तन मांजती है तो कुछ अंदर रह जाता है। पुराने जमाने की तरह तो इतना काम कर ही नहीं सकते ना। कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर होते लेकिन काम काज ठीक नहीं होता, बस 5-5 मिनट में मिरर में देखकर मेकअप कर लेंगे लेकिन काम। तो किसी ने व्यास मुनि को पूछा कि आप जिस कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं उसका रूप तो बहुत सुंदर है लेकिन सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य परिचय दीजिए। तब वेदव्यास जी कहते हैं, विश्वपत्यादि हे तवे। कृष्ण का सामर्थ्य परिचय, विश्व उत्पत्ति आदि है तव, जो इस विश्व को इस संसार को प्रकट करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, इस संसार का प्रलय करते हैं, वो है कृष्ण। यह है कृष्ण का सामर्थ्य, पूरे विश्व को ही प्रकट करते हैं। लोक में जब चर्चा चलती है कि भाई हमारे एरिया में बड़ा आदमी कौन, तो सीधी बात होती है, जिसके पास ज्यादा पैसा है बड़ा आदमी है, जिसकी फैक्ट्री में जिसकी कंपनी में ज्यादा प्रोडक्शन है वो बड़ा आदमी है। बताइए, कृष्ण से बड़ा प्रोडक्शन कौन कर सकता है, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का ही प्रोडक्शन करता है।
हमें तो कुछ बनाना होता है तो बाहर से कोई वस्तु लेकर तोड़ जोड़ करना होता है, लेकिन ये पूरा संसार भगवान अपने से प्रकट करते हैं। यह है कृष्ण का सामर्थ्य, और मात्र उत्पत्ति नहीं, इसका पालन भी करते हैं, इस संसार का प्रलय भी करते हैं। यह है कृष्ण का सामर्थ्य। तो स्वरूप परिचय हो गया, सामर्थ्य परिचय हो गया। कुछ लोग दिखने में अच्छे होते हैं, चलो कामकाज भी ठीक होता है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो भाई थोड़ा कृष्ण का स्वभाव भी बता दीजिए, ये कृष्ण का स्वभाव कैसा है? तब कहते हैं, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। स्वभाव कैसा है इनका? संसार का किसी भी प्रकार का दुखी जीव यदि कृष्ण की शरण में आ जाए तो तापत्रय विनाशाय, कृष्ण उनके जीवन में तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर देंगे, विनष्ट कर देंगे। किसी व्यक्ति के जीवन में या इस संसार में जितने भी दुख है, इन दुखों को तीन भागों में बांटा गया है, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप, अधि आध्यात्मिक ताप। अधिदैविक ताप माने देवताओं के द्वारा दुख। अचानक रात को सुनामी आ जाना, लाखों लोग मर जाना, देवता के द्वारा दुख। अचानक भूकंप हो जाना, मैंने सुना दिल्ली में हुआ, कल परसों हुआ था, नोएडा में नहीं हुआ, हुआ था, थोड़ा ही हुआ होगा, भूकंप हो जाना, रातों रात अनेकों लोग मर जाना, ये देवताओं के द्वारा दुख है। या सूर्य अत्यंत तप्त हो जाना, या सूर्य अत्यंत शीतल हो जाना, इंद्र के द्वारा अतिवृष्टि होना, या इंद्र के द्वारा अनावृष्टि होना, ये सब देवताओं के द्वारा दुख है, अधिदैविक दुख। दूसरी प्रकार के दुख समाज के द्वारा मिलते हैं, ना धोकर मेकअप करके फ्रेश होकर गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, लेकिन डेढ़ घंटा आप ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं, ये अधिदैविक दुख है, सॉरी अधिभौतिक। हमारे ही अपने समाज के द्वारा जो हमें दुख मिलते हैं, हमारे अपनों के द्वारा हमें जो दुख मिलते हैं, इसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। और याद रहे, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, हमारे अपने हमें जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाले नहीं देते हैं। विश्वास नहीं तो जीवन में थोड़ा सा पीछे मुड़कर दिख लीजिए, हमारे अपने हमें जितना कष्ट देते हैं उतना पाकिस्तान वाले नहीं देते हैं। देते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए क्या नहीं करता, बेचारा गधा बन जाता है। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपनी पूरी आयु गवा देता है, अपनी जवानी गवा देता है, अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन एक बार भी पत्नी नहीं कहती कि बस अब बहुत हो गया, जीवन बिता देता है आदमी पत्नी के लिए, लेकिन फिर भी पत्नी ताना मारती रहती है कि तुम कुछ काम के ही नहीं हो। बाजू वाला पति देखो कितनी अच्छी साड़ी लेकर आता है, बच्चे कहते हैं तुम कुछ काम, बेचारा गधा तो बन गया, आप क्या बनाना चाहते हो आप? हमारे अपने जितना हमें कष्ट देते हैं भक्तों, सामने आएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे और ऐसा प्रणाम मारेंगे, लगता है बस यही ये मेरा चेला का चेला है।
लेकिन जैसे ही वहां से जाएंगे हमारे पीठ के पीछे हमारी ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, हमारे ही अपने। मैं अक्सर कहता हूं कि ये समाज जो है ना, जिस दिन आपको हाथी के ऊपर बिठाए समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। आज हाथी के ऊपर बिठाए तो कल यही समाज गधे के ऊपर बिठाएगा, आज फूलमाला पहनाई तो यही समाज कल गाली देगा, निश्चित है, निश्चित है। कैसा है समाज? आप सीधे सीधे चलकर जाते हो ना तो समाज वाले कहेंगे कैसी दृष्टि है इनकी, मां बहन के ऊपर कैसी दृष्टि डाल रहा है ये, आपको पता चल गई। और आप अपनी दृष्टि को ऊपर रखकर चलोगे तो वो समाज वाले कहेंगे कितना अभिमान हो चुका है, दृष्टि को नीचे होने ही नहीं दे रहा है। और आपने बात सुन ली और अपनी दृष्टि को नीचे रखकर चलोगे तो कहेगा कुछ गड़बड़ की है, नहीं तो इसकी दृष्टि कभी नीचे हो ही नहीं सकती। बताओ, दृष्टि को ऊपर रखो तो भी प्रॉब्लम, सीधे रखो तो भी प्रॉब्लम, नीचे रखकर चलो तो भी प्रॉब्लम। ये सारी बातों को सुनकर यदि अपनी आंख को फोड़ देते हो तो वही समाज वाले कहेंगे किए हुए कर्म का फल भोगत रहा है। यह है समाज, यह तथाकथित समाज, जिस समाज के खातिर हम लोग भजन नहीं करते हैं। कंठी पहनने के लिए कहते हैं समाज क्या कहेगा, तिलक करते हैं समाज क्या कहेगा, हाँ सिगरेट पियेंगे तो समाज खुश है, शराब पियेंगे तो समाज वाई वाई करेगा, लेकिन भजन करेंगे तो समाज गाली देगा। ये गाजर जैसे लंबे लंबे तिलक करके निकल पड़े हैं, समाज भजन करने वालों का बहुत उपहास होता है। अब देखिए इस समाज में स्कूल में पढ़ने के लिए कितने लोग फोर्स करते हैं, मां पिता टीचर आदि। पैसे कमाने के लिए कितने लोग फोर्स करते हैं, पत्नी बच्चे फैमिली कुटुंब। इस दुनिया में सभी कार्य के पीछे बहुत बहुत फोर्स करने वाले लोग हैं, लेकिन भजन के लिए सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि मेरा भाई भजन करे, वो भी चाहेगा कि नहीं समय से ऑफिस में आए काम करे। ये भागवत कथा शुरू होने पर कई के मुंह बिगड़ जाते हैं, क्या ये लोग ने शुरू किया है समाज। तो ये दुख है हमारे अपनों के द्वारा। चाणक्य पंडित कहते हैं शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तु वा। शत्रु जो होता है वो शरीर पर वार करता है, हॉस्पिटल में जाकर वो घाव ठीक हो जाता है, लेकिन जो स्वजन होते हैं वो दिल पर वार करते हैं और जीवन भर तक वो घाव मिटता नहीं है। स्वजन के वार, तो स्वजनों के द्वारा दुख मिलते हैं, इसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। और तीसरे प्रकार का आदि आध्यात्मिक दुख जो हमारे अपने मन के द्वारा मिलता है। हमारे मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं हमारी सारी कामना पूर्ण हो जाए। जब हमारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हृदय में दुख होता है, हमारा मन ही हमें दुखी करता है। इस प्रकार आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ये तीन प्रकार के ताप जिसमें हजारों हजारों दुख हैं, और इन सभी दुखों से दग्ध जीव, इन सभी दुखों से दुखित पीड़ित जीव, वेदव्यास मुनि कहते हैं कि यदि वह कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तो कृष्ण उनके सारे दुखों को हर लेते हैं और परम प्रसन्न सुखमय बना देते हैं। तापत त्रय विनाशाय
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के ताप जो नष्ट विनष्ट कर देते हैं वो कृष्ण है। इस प्रकार कृष्ण को प्रणाम। कृष्ण का स्वरूप परिचय, सामर्थ्य परिचय और स्वभाव परिचय, ये कृष्ण का स्वभाव। और कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं नमस्कार करता हूं किसे? श्री कृष्णाय। मात्र कृष्ण को नहीं, कृष्ण के साथ श्री, श्रीजी माने राधा रानी। मैं राधा सहित कृष्ण को, राधा कृष्ण को प्रणाम करता हूं। शिवाजीव गोस्वामी और चक्रतिपाद सारार्थ दर्शनी और क्रम संदर्भ ये दोनों टीका में ऐसा लिखते हैं। भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उनके साथ राधा रानी न हो। जब राधा के साथ कृष्ण है तब जाकर वह पूर्ण पुरुषोत्तम। अन्यथा हमारी ब्रज भाषा में तो राधा के बिना श्याम 50% है, आधा। तो श्री कृष्णाय माने राधा कृष्णाय नमः, नमस्कार। और बीच में एक शब्द है श्री कृष्णा यवयम नमः, श्री कृष्णा यवयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ये वयम शब्द जो है बहुवचन में है। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, दो ही वचन होते हैं। परंतु संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि वेदव्यास जी ने लिखा होता श्री कृष्णाय अहम नमः तो इसका अर्थ होता कृष्ण को मैं अकेला प्रणाम करता हूं। यदि लिखा होता श्री कृष्णाय आवाम नमः तो हम दोनों कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन यहां अहम भी नहीं, आवाम भी नहीं, यहां लिखा है वयम। वयम का अर्थ है हम सब लोग कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। इस एक शब्द से मेरी दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि वयम नमः से वेदव्यास मुनि युग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वेदव्यास जी ये कहना चाहते हैं कि भागवत सुनना चाहते हो, भगवान का भजन करना चाहते हो तो अकेले अकेले में पॉसिबल नहीं है। वयम नमः माने संकीर्तन, संघ में भजन करना, ये बहुत आसान है और सरल है। और कलयुग में तो करवाजन ऋषि भागवत के एकादश स्कंद में निमि महाराज को कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय। कलयुग में संघ में रहकर जो भजन करेगा वही बुद्धिमान है। यजंती ही सुमेधस, वही बुद्धिमान है जो संगति में रहकर भजन करता है। कुछ लोग अकेले अकेले भजन करते हैं, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। और अकेले में आदमी सोने के अलावा कुछ नहीं करता। बाय डिफॉल्ट कोई अकेला है तो समझो सो रहा है। आप अपना ही दृष्टांत लीजिए, जब घर पर हरिनाम जप करते हैं तो फोन में बात भी कर लेते हैं, थोड़ा खा भी लेते हैं, थोड़ा बड़ा टीवी भी देख लेते हैं, जो काम करना है कर भी लेते हैं। लेकिन वही आदमी एकादशी के दिन, रविवार के दिन इस्कॉन मंदिर में भक्तों के साथ हरिनाम जप कर रहा है तो लगता है हरिदास ठाकुर का दूसरा अवतार आ गया है। कितना प्रभाव होता है संघ में रहकर भजन करने में। घर पर जब जाप करते हैं तो खाना, सोना, बैठना सब कुछ, लेकिन वही आदमी भक्तों के संग में बैठता है तो हरिदास ठाकुर की तरह एकदम हरे कृष्ण, और उसमें भी जबकि आ गई तो पहले बाजू में देखता है, ये मुझे देख तो नहीं लिया। भक्तों को भगवान का जितना भय नहीं उतना अन्य भक्तों का भाई है। और जपा करते समय यदि कोई सो रहा है और बाजू वाला जगा है तो इतना घूर के देखता है,
लगता है आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। वो मौन रहकर कहना चाहता है कि साले मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान कर रहा था, तेरा ध्यान। परमात्मा जानते हैं। मैं कह रहा हूं संग में रहकर भजन करना। मायापुर शशि प्रभु और सीता किशोरी माता जी चाहते तो अपने घर पर बुलाकर भी करा सकते थे, जैसे सत्यनारायण की पूजा होती है ना, लगभग सब सोते ही रहते हैं उसमें। अध्याय समाप्त होता है, पंडित जी शंख बजाते हैं, तब लोग जगते हैं, और फिर अध्याय शुरू होता है, वहां अध्याय शुरू, यहां सोना शुरू। फिर इति श्रीमद् भागवते महापुराण प्रमाण श्याम संहिता में शंख बजता है, तब जगते हैं। लेकिन जब संग में बैठते हैं, कितनों को नींद आ रही है, लेकिन संग में बैठे हैं तो आदमी अभी भी संभल रहा है, बाजू वाला क्या सोचेगा। और मैं तो अक्सर कहता हूं कथा में जो सोता है ना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो खूब सो, मैं तो चाहता हूं कि आप सो। मैं तो गाता भी बहुत रात बीते बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं पवन छेड़ सरगम गोरांग छेड़ सरगम मिलोरी सुना। लोरी माने मेरी भागवत कथा। और कथा सुनते समय यदि कोई सो गया तो सोने वाले को देखकर मन में एक ख्याल आता है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। यहां तो सोने वाला भी फरिश्ता है, है कि चलो भागवत में सो रहा है। सोने का उत्साह नहीं दे रहा हूं, भागवत में सोने वाला यदि फरिश्ता लग रहा है तो जगकर श्रद्धा से भाव से सुनने वाला कितना महान माना जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। संग में रहकर भजन करना। वेदव्यास मुनि सबके साथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आइए मैं एक दो इतिहास, जितना हमारे पास समय है, भागवत महिमा के कुछ इतिहास सुना दूं। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा, हे सुत जी, अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हे सुत गोस्वामी, आप जैसे इस संसार में अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के घर पर जो अंधकार है उस अंधकार को नष्ट करने के लिए एक सूर्य काफी है, वैसे करोड़ों करोड़ों जीवों के हृदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सुत जी आप एक अकेले काफी हो। तो हे सुत जी, कृपया करके आप हमें यह बताइए, इस संसार में मनुष्य प्रायः आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो चुका है, इह घोरे कलो प्राये जीवस्य असुरताम गतः। दिखने में तो आदमी है लेकिन उनके आचरण जो है असुरों की तरह हो चुके हैं।
ऐसे अपवित्र जीवों को पवित्र कराने वाली कोई कथा सुना दीजिए। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जिससे अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो जाए, और पावनानाम च पावनम, और दूसरों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनको भी पवित्र कर दे। ऐसी कथा सुनाइए जिससे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। इस संसार में लोगों के मन में बड़ी अशांति है, मन विचलित है, और मन ही बंधन का कारण है। मन शांत हो जाए, पूर्ण रूप से मन अपने कंट्रोल में हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कल्याण हो जाए। सूत जी हम जानते हैं, यदि किसी को चिंतामणि मिल गया तो उसे इस संसार का सुख प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि मिलने से संसार का सुख मिल सकता है, और कल्पवृक्ष मिलने से स्वर्ग का सुख मिल सकता है। लेकिन हे सूत जी, जिसे आप जैसे वक्ता मिल गए, आप जैसे गुरु मिल गए, उसे वैकुंठ का सुख मिल सकता है, हम जानते हैं। इसलिए आप हमारी जिज्ञासा को पूर्ण कीजिए और हमें ऐसी कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, मन को शुद्ध करने वाली, आसुरी वृत्ति से मुक्त कराने वाली, जीव को पूर्ण पवित्र बनाने वाली इस दुनिया में एक ही कथा है, और वह है भागवत कथा। कथा तो बहुत सारी है ना, शिव कथा, देवी कथा है, देवी भागवत, शिव पुराण, अनेकों अनेकों है। लेकिन ये जो आपने जिज्ञासा की है, इस जिज्ञासा को परिपूर्ण करने लायक एकमात्र कथा है, वो है भागवत कथा। भागवत सुने बिना मन किसी का शुद्ध हो नहीं सकता। कलयुग में अपने मन को शुद्ध करने का सरल तरीका है, बिल्कुल आसान उपाय, भागवत कथा सुनो। हरिनाम जप करते समय हो सकता है मन यहां वहां विचलित हो जाए, लेकिन भागवत सुनते समय मन विचलित नहीं होता, भागवत में पूर्ण रूप से रम जाता है। क्योंकि आपको याद करा दूं, ये भागवत वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर लिखा है। ये भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। यदि कोई ध्यान से इस भागवत को सुनता है तो भागवत को सुनना ही समाधि है, ये सुनना ही समाधि है। तो मन को शुद्ध करने वाला एतस्मान परम कश्चे मन शुद्धये तनावीध्यये। इस संसार में मन को शुद्ध करने वाला इससे सरल साधन और कोई नहीं। और जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत प्रकट हो चुका है, श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि सुखदेव जी ने जब भागवत कह दिया है तो अन्य अन्य पुराण या अन्य किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भागवत सिंह की तरह गर्जना करता है। जैसे किसी वन में कोई शेर कोई सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां पर भागवत की गर्जना होती है, भागवत सुनने वाले के हृदय को छोड़कर छोटे मोटे सारे पाप उस हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। और संसार का साधारण मनुष्य तो भागवत सुनेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी नहीं मरने वाले देवता जब भागवत सुनना चाहते हैं तो किसी भी क्षण मरने वाला मरण धर्मा मनुष्य भागवत क्यों नहीं सुनेगा।
अन्य एक इतिहास बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जिस समय सुखदेव गोस्वामी भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किए, परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव जी जब कथा सुनाने जा रहे थे उसी समय आकाश से देवता गण आए। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते मुने सुरा कुंभ ग्रहित वेव सुरा कुंभ ग्रहित वेव देवा तत्र समागत। श्री वेदव्यास मुनि देवताओं को इस प्रसंग में स्वकार्य कुशल सुरा इस प्रकार से कहते हैं। देवता कैसे हैं? अपना काम बनाने में कुशल, अर्थात बड़े स्वार्थी हैं। देवता बड़े स्वार्थी हैं। रामायण में भी ऐसा वर्णन है, कई दिनों से किसी की दावत में नहीं गए तो देवताओं ने मीटिंग की, यार कोई दावत नहीं आ रही है, देखो किसी की शादी वादी बाकी है या नहीं। बोले हम तो पहले ही करके बैठे हैं क्योंकि हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं। बाकी कौन है? बोले एक बाकी है और वो है भोलेनाथ, शिवजी बाकी हैं, कराओ शिवजी की शादी, जाएंगे हम लोग दावत में भोजन आदि। बोले वो तो समाधि में बैठे हैं। अपना अपने स्वार्थ के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, शिवजी की समाधि तो नहीं खुली, कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। फिर कैसे भी करके शिवजी का विवाह तय किया देवताओं के खातिर, और जिस दिन बेचारे शिवजी का विवाह था तो कुछ देवताओं को शिवजी के पास आना चाहिए था ना, कि दूल्हे को थोड़ा सजाए, थोड़ा मेकअप आदि करें, है ना। अब जीवन में एक दिन तो आदमी राजा बनता है, बाकी जीवन भर कुली रहना है। एक दिन ऐसा आता है आदमी राजा की तरह जीता है, गीत गाए जाते हैं दूल्हे के नाम के, और क्या बताए, उस दिन वो खुद भोजन नहीं करता, लोग खिलाते हैं, जूते बूते भी लोग पहनाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं, क्यों गुरंग प्रभु, ठीक है ना। शादी की बात ही कुछ और है। लेकिन एक दिन आदमी के जीवन में राजा, और शादी के बाद बेचारा कुली बन जाता है। शादी के पहले सिंह की तरह गर्जना करता है और शादी के बाद चूहा बनकर बिल में घुस जाता है। रविवार को भी नहीं दिखाई देता, रविवार को भी बरमूडा पहनकर टीवी देखता रहता है पूरा दिन। तो देवताओं को आना चाहिए था, शिव जी को मेकअप आदि करे, लेकिन नहीं आया। फिर शिव जी के गणों ने श्रृंगार किया, रामायण का ये प्रसंग है। खैर मैं ये कह रहा था, वेदव्यास मुनि कहते हैं स्वकार्य कुशल सुरा, ये बड़े स्वार्थी हैं। अब देखिए क्या स्वार्थीपन है। सुरा कुंभ ग्रहित वेव, सुरा कुंभ ग्रहित वेव देवा तत्र समागत। सारे देवता हाथ में स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर आए, सुखदेव गोस्वामी को निवेदन किए कि हे सुखदेव जी, हम ये स्वर्ग का धन लेकर आए हैं, स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, आप एक काम कीजिए, आप ये स्वर्ग का अमृत रख लीजिए और इसके बदले भागवत कथा अमृत हमें पिरोस दीजिए।
स्वर्ग का अमृत लेकर भागवत कथा अमृत दे दीजिए। अब देवता लोग सीधे सीधे आकर आप लोगों की तरफ बैठ गए होते तो भागवत कथा सुनने के भागी बन जाते। लेकिन कुछ लोग बिजनेस करते 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 बुद्धि भी बिजनेस वाली हो जाती है, सोचते हैं कुछ चंद पैसे देकर हम भागवत वक्ता को खरीद लेंगे, भागवत को खरीद लेंगे। भागवत को कभी खरीदा नहीं जा सकता है, इसे श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से आत्मसात किया जाता है। तो यहां देवताओं ने कहा, एक सौदा करने लगे, एक बिजनेस करने लगे कि स्वर्ग का अमृत रख लीजिए और इसके बदले भागवत कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण आक्रोश में आ गए, बोले हे देवताओं, आज आपने भागवत का अपराध किया है, क्योंकि आपने ये तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत के साथ की है। क्व कथा क्व सुधालोके क्व कांच क्व मणि महान। अरे कहां तुम्हारा यह तुच्छ कांच के टुकड़े की तरह स्वर्ग का अमृत और कहां हीरे की तरह भागवत कथा अमृत। कांच के टुकड़े और हीरे की उपमा कर रहे हो। आज आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, अभी और इसी समय यहां से स्थान को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं आप लोगों को श्राप दे दूंगा। उस समय देवताओं को वह स्थान छोड़ना पड़ा, सारे देवता चले गए। परंतु भक्तों, मुझे आपको इतना ही कहना है, जब देवता लोग भागवत कथा सुनना चाहते हैं, लोक में तो ऐसी मान्यता है भागवत कौन सुनता है, जो दुखी है वो सुनते हैं, या दूसरी मान्यता है जिसने बहुत पाप किया है वो भागवत सुनते हैं। आप कहीं भागवत का इनविटेशन देने के लिए जाइए कि बहुत सुंदर हमारे इस्कॉन में भागवत है, आप आइए, तो क्या कहते जानते, हमने पाप थोड़ी ना किए हैं, इसका अर्थ है ये सब पापी लोग बैठे हैं, हम बहुत पाप किए इसलिए ये सुन रहे हैं। भागवत जो है, जब देवता भी सुनना चाहते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं सुनेगा, अवश्य सुनेगा। सात दिन जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुने और तक्षक नाग आए उनके पहले ही, परीक्षित महाराज उस दिव्य विमान में बैठकर भगवान के पार्षद उनको लेकर वैकुंठ चले गए और ये बात तीनों लोक में फैली। ब्रह्मा के कान में ये बात गई कि सात दिन भागवत कथा सुनकर परीक्षित वैकुंठ को प्राप्त किए। यह सुनकर ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ, बोले असंभव एव। तपस्वी लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, योगी लोग कितना योग सिर नीचे पांव पर बिचारे कितने मेहनत करते हैं, फिर भी जिस भगवान का ध्यान में दर्शन नहीं कर सकते, उस भगवान को सात दिन में प्राप्त कर लिया, असंभव एव। ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, राज्ञो मोक्ष तथा विक्ष पुरा दाता पिविस्मित सत्य लोके तुला बंधवा अतोलयत साधनान अज। चतुर्मुख ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ कि सात दिन में कोई वैकुंठ पा जाए, कोई भागवत सुने, कोई मेहनत नहीं करना, केवल एक स्थान पर बैठकर भागवत सुनकर भगवान मिलते हैं। कई बार मैं कहता हूं ब्रह्मा को चार मुख है, जानते ना आप चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख है तो चार दिमाग भी होगा, आप इमेजिन कीजिए, चार चार मस्तक, चार चार माथे, चार चार दिमाग वाले ब्रह्मा को जब इस पर विश्वास नहीं हुआ तो एक दिमाग वाले आदमी को कैसे हो सकता है। मान लो एक 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 माथे वाला आदमी कहे
कि भाई भागवत की महिमा नहीं हो सकती, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा बुद्धिमान थे, बोले यदि ऐसी बात है तो मैं परीक्षा लूंगा, और हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम मुंडी तो बहुत दिलाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा, कथा के बाद बहुत लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन इस अच्छी बातों में जीवन में क्या अप्लाई किया? भागवत की बात को आप जीवन में अप्लाई करते हो तो बोलने की जरूरत नहीं है कि अच्छा है, लोगों के समझ में आता ही है कि अच्छा है, तब तो स्वीकार किया है। और जो जीवन में भागवत नहीं उतारते और केवल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है प्रशंसा करते रहते हैं, सुखदेव गोस्वामी उसे कुत्ते कुत्ते बिल्ली कहते हैं, ये सब भौंकते रहेंगे, इनकी बातों में नहीं आना है, है? मुख्य बात यह है कि जीवन में कितना उतारते हैं। पोथी यात्रा में भागवत को सिर पे लेकर बहुत नाचते हैं, लेकिन इसे भेजे में भी उतारना चाहिए, थोड़ा अंदर ऊपर से आ जाए। ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी परीक्षा लिए, बोले मैं परीक्षा लूंगा, सत्य लोके तुला बंधवा, सत्य लोक में ब्रह्म लोक में परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने एक तुला बांधी। तुला जानते ना, वजन का कांटा, आप लोग आलू टमाटर खरीदने जाते हैं तो बहुत बड़ी एक तुला बांधी, उस तुला के एक पात्र में जीवन भर तक तपस्या करने का फल रखा और तुला के दूसरे पात्र में 7 दिन मात्र भागवत कथा सुनने का फल रखा, और तुला को जब उठाई तो जीवन भर तक तपस्या करने का फल हल्का हो गया और 7 दिन भागवत सुनने का फल भारी हो गया। 7 दिन भागवत कथा की बराबरी जीवन भर की तपस्या नहीं कर पाई, फिर जीवन भर तक ध्यान करने का फल रखा, लेकिन वो भी 7 दिन कथा की बराबरी नहीं कर पाई। जीवन भर तक यज्ञ करने का फल रखा, फिर भी 7 दिन भागवत सप्ताह की बराबरी नहीं कर पाया। ब्रह्मा का माथा दुखने लगा, सनक पिता की सनक गई, और सोचा अब क्या करूं, तो सारे साधन थे एक पात्र में रख दिए, जीवन भर तपस्या यज्ञ दान ज्ञान ध्यान योग ये सारे फल एक पात्र में रख दिए, और दूसरे में मात्र भागवत सप्ताह सुनने का फल रखा, और तराजू उठाया तो सारे साधन हल्के हो गए और 7 दिन कथा का फल भारी हो गया। और उसी दिन से ब्रह्मा जी ने रिजोल्यूशन पास किया कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए एक और सारे साधन को साथ रखा जाए और दूसरी ओर मात्र भागवत सप्ताह को रखा जाए, ये सारे साधन मिलकर भी भागवत सप्ताह के फल की बराबरी नहीं कर सकते। यह है भागवत कथा की महिमा। तो भक्तों समय हो चुका है, आप मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि 1 घंटा देरी से शुरू किया तो एवरेज कवर करना होगा ना, इतने दूर से आए हैं तो कुछ हैं वाणी से सेवा करने का अवसर। मैं जानता हूँ सुबह मंगला आरती में जगना है, सबको नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, वंशीधर प्रभु की आज्ञा थी तो हमने 1 घंटे के लिए यहाँ पर कथा बढ़ाई। कल से समय से शुरू करेंगे, समय से समाप्त करेंगे, लेकिन आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ, इंग्लिश भाषा में होमवर्क समझिए या संस्कृत में गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। कल जब आप आओगे तो भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, तो दोनों हाथ में एक नए व्यक्ति को लेकर आइएगा, ज़्यादा मत लाइएगा, ज़्यादा लाओगे तो यहाँ हाउसफुल हो जाएगा, फिर मगजमारी बढ़ जाएगी, कम से कम 2 लेकर आना, और फिर मैं पूछूंगा आपके 2 कहाँ बैठे हैं, हाथ ऊपर कराऊंगा, और यदि 2 नहीं है तो थोड़ी पनिशमेंट भी हो सकती है, इसलिए कल तो बैंक बंद है ना, खुला है, लेकिन शाम को तो बंद हो ही जाता होगा, अब तो लगभग छुट्टे हो ही गए होंगे, तो और यदि ऐसा ही है तो हम यहाँ से छुट्टे देंगे, चिंता मत करो। लेकिन आप इतना सुंदर आयोजन किया गया है,
हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भागवत का लाभ लें। प्रथम दिन था इसलिए मात्र भागवत जी की महिमा संक्षिप्त में कही, कल से हम भागवत शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। एक बार जय ध्वनि के साथ भागवत को हम विदा करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रभानंदे हरि हरि बोल। भागवत की आरती है।